हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती कैश जोन। अब मैं आपको आज से मतलब अभी से ऐसे वीडियो बनाऊंगा ओपनिंग ट्रैप्स के बारे में। बहुत सारे ओपनिंग ट्रैप्स है दोस्तों, मोर देन 1000। तो ओपनिंग ट्रैप्स अगर आपने देख लिए हैं एक बार तो कभी भी आप ट्रैप में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरोकान डिफेंस के बारे में। कैरोकान डिफेंस में एक ओपनिंग ट्रैप में आज बताऊंगा और साथ ही मैं आपको फ्रेंच डिफेंस की ओपनिंग ट्रैप, तो ट्रैप के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। वन बाय वन बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं कैरोकान डिफेंस। व्हाइट प्लेस E4, ब्लैक प्लेस C6, यहाँ पे होता है कैरोकान डिफेंस C6, D4 और D5। इसमें मैं आपको बताऊंगा विनावर वेरिएशन के बारे में। Nc3 कैरोकान में Nc3 करके खेल सकते हैं, एडवांस खेल सकते हैं या पॉन कैप्चर करके खेल सकते हैं। ब्लैक इसमें मोस्टली पॉन टेक्स पॉन करता है, यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन। अगर आप फंसना भी नहीं चाहते और किसी को ट्रैप में फंसाना भी चाहते हो तब भी ये ओपनिंग ट्रैप्स आपके बहुत काम में आएगी दोस्तों। नाइट टेक्स E4, उसके बाद यूजुअली जनरल नाइट D7 होना चाहिए, कभी कभी नाइट F6। नाइट F6 के बाद क्वीन D3, अगर कोई नाइट F6 करता है तो क्वीन D3। और यहाँ पे मोस्टली E5 प्लेइंग, जैसे कि सेंटर ब्रेक करने के लिए। यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, ब्लैक क्वीन A5 चेक, बिशप D2, देन क्वीन टेक्स E5। ये बहुत ही फेमस ट्रैप है दोस्तों। यहाँ पे आपके नाइट के ऊपर क्वीन और नाइट का अटैक है, आप इसे अंडर एस्टिमेट करके लॉन्ग कैसल कर दोगे तो ब्लैक को लगेगा कि ये नाइट फ्री में मिल रहा है, नाइट टेक्स नाइट। अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपको बेस्ट मूव ढूंढना है व्हाइट टू प्ले एंड फिनिश द गेम। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्वीन सैक्रिफाइस क्वीन D8। आफ्टर क्वीन D8 किंग टेक्स D8, देन बिशप G5 विद डबल चेक। अगर किंग C7 जाता है तो बिशप D8 चेकमेट, और अगर किंग E8 जाता है तो रुक D8 चेकमेट। तो ये थी कैरोकान की बहुत ही फेमस ओपनिंग ट्रैप। इस ट्रैप में बहुत सारे लोग फंस भी चुके हैं, जिसको पता नहीं है वो ट्रैप में आ जाते हैं। और दूसरी ट्रैप में आपको बताऊंगा फ्रेंच डिफेंस के बारे में। E4, E6, D4, D5। दोस्तों यहां भी विनावर वेरिएशन खेल सकते हो आप। नाइट सी थ्री के अगेंस्ट मोस्टली बिशप B4 आता है, यहां पे आपको खेलना है E5, बिशप D7, यहां पे बिशप D3। ये नॉर्मल ओपनिंग मूव्स है दोस्तों। Nc6, यहाँ पे आपको A3 करना है, आफ्टर बिशप टेक्स C3, बी टेक्स C3 और Ne7, नाइट F3, सिंपल डेवलपमेंट और यहाँ कैसल। अब दोस्तों यहाँ पे आप सैक्रिफाइस के बारे में सोच सकते हो फ्रेंच डिफेंस में, और ऐसी सिचुएशन नाइट जब F6 के बजाय E7 पे है तब सैक्रिफाइस बहुत ही कामयाब होता है। बताता हूं मैं आपको, बिशप H7 चेक, आफ्टर किंग टेक्स H7, नाइट G5 चेक। अब दोस्तों किंग के मूव्स के कितने ऑप्शन है, तो नाइट G5 के बाद अगर किंग H8 या G8 जाता है तो चेकमेट इन टू मूव्स, जैसे क्वीन H5 चेक, देन किंग G8 और क्वीन H7 चेकमेट। और अगर इस पोजीशन में किंग H6 जाता है तो सिंपल नाइट E6 डिस्कवर चेक और आपको ब्लैक की क्वीन मिल जाएगी। तो रहा एक ऑप्शन जो किंग G6 का, तो किंग G6 के बाद एक जबरदस्त मूव है H4। H4 यहाँ पे H5 की थ्रेट है और ब्लैक का किंग कहीं भी बच नहीं सकता। तो H4 के बाद अगर रुक H8 खेलता है तब भी H5 चेक, आफ्टर रुक टेक्स H8 और क्वीन H5 चेक,
फोर स्मू और यहाँ पे जी फोर चेकमेट। तो दोस्तों ये थी फ्रेंच डिफेंस की थ्रेट। तो आपको ये दो ट्रैप्स अपने बुक में लिख लेनी है, याद रखनी है, कभी भी आप ट्रैप में फंसो भी नहीं और अपोनेंट की ऐसी कोई सिचुएशन आती है तब आप बिशप सेक्रीफाइस करके गेम जीत सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंच डिफेंस में ज़्यादातर विनावर वेरिएशन में ये पॉसिबल है। कैरोकान में जैसे मैंने बताया, एक दूसरे और ट्रैप में बताऊंगा कैरोकान में, जैसे कि यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन, नाइट एफ सिक्स, यहाँ एक और भी ट्रैप है नाइट जी फाइव। नाइट जी फाइव के बाद ब्लैक ट्राई अगर करता है एच सिक्स तो ये सबसे बैड मूव है। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों नाइट एफ सिक्स नहीं, जो मैं ट्रैप बताने वाला हूँ वो नाइट डी सेवन। अगर ब्लैक ने नाइट डी सेवन किया, यहाँ पे आप नाइट जी फाइव, अब यहाँ पे कोई भी प्लेयर है जो अपोनेंट का पीस हमारे किंग के साइड अगर आता है तो उसे जल्दी से वहां से हटाने की कोशिश करेगा अटैक करके उसे। तो जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ब्लैक ने एच सिक्स किया तो ये सबसे बहुत बड़ी ब्लंडर मूव है। एच सिक्स इसलिए ब्लंडर है कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा नाइट ई सिक्स सेक्रीफाइस। अब नाइट टेक्स क्वीन की थ्रेट भी है तो यहाँ पे पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल भी नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आफ्टर पॉन टेक्स नाइट सिंपल आप देख सकते हो कि क्वीन एच फाइव से चेकमेट हो रही है। तो यहाँ पे क्वीन बचाना जरूरी है और नाइट मार नहीं सकते तो ब्लैक के पास एक ही ऑप्शन है, क्वीन ए फाइव चेक। चेक के साथ आपके किंग पे अटैक करेगा और अपनी क्वीन सेव करेगा। यहाँ पे बिशप डी टू, अब ब्लैक के पास ओनली होप है क्वीन बी सिक्स, क्योंकि क्वीन बी सिक्स के अलावा कहीं भी गया तो आप नाइट फॉर्क सी सेवन से दे सकते हो। तो क्वीन बी सिक्स ओनली रिप्लाई। यहाँ पे व्हाइट बिशप डी थ्री खेलेगा। अभी भी ब्लैक को लगता है कि अब वो अपना नाइट मार सकता है क्योंकि चेकमेट तो है नहीं, तो वो आपका अगर नाइट लेता है इस पोजिशन में तो यहाँ क्वीन एच फोर चेक, क्वीन एच फाइव चेक, किंग डी एट फोर स्मूव, देन बिशप ए फाइव और अपोनेंट की क्वीन ट्रैप हो जाएगी, पिन हो जाएगी। अगर वो काउंटर अटैक करना चाहता है तब भी आप उसकी क्वीन चेक के साथ ले सकते हो। आफ्टर नाइट टेक्स बी सिक्स देन क्वीन ई टू या क्वीन एफ थ्री, आप अपनी क्वीन सेव कर लो। सिंपल ये गेम आपके हाथ में है। तो ये दोस्तों आज की तीन ट्रैप्स मैंने बताई है। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे ट्रैप्स आपको सीखने को मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।